हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिंगर सुमित गोस्वामी के बारे में। सुमित ने न सिर्फ अपनी आवाज़ और अपने अलग तरीके के सॉन्ग से कामयाबी की बुलंदी को छुआ है, बल्कि उनके गानों से हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री को पहचान मिली है। सुमित ने फीलिंग्स, यार की शादी, द विलेजर्स, आर्मी, परिंदे, बावली ट्रेड जैसे सुपरहिट सॉन्ग दिए हैं, जिन्होंने सुमित को सिंगिंग स्टार बना दिया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए, मेरा नाम है विकास और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे एक किसान का बेटा स्टार हरियाणवी सिंगर बनता है, साथ ही बात करेंगे उनकी लाइफ से जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग बातें, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू से बात करते हैं। सुमित गोस्वामी का जन्म 18 नवंबर 1998 को धतोली सोनीपत हरियाणा में एक मिडिल क्लास किसान फैमिली में हुआ। सुमित के पिता का नाम रामकिशोर है, जो पेशे से एक किसान है और साथ ही वो ट्रांसपोर्ट का काम भी किया करते हैं। सुमित माँ का नाम पुष्पा है, जो हाउसवाइफ है। पेरेंट्स के अलावा इनकी फैमिली में दो और भाई हैं। सुमित बोलते हैं कि सिंगिंग हमारे खून में है, मेरे पापा भी अच्छा गा लेते थे और मेरे दादा भी लोकल में अच्छे कलाकार थे, वो बैठे बैठे रागनी बना लिया करते थे। सुमित ने अपनी स्कूली पढ़ाई धतोली से पूरी की है। 10th तक की पढ़ाई करने के बाद सुमित ने पॉलिटिक डिप्लोमा करके पढ़ाई बंद कर दी। सुमित को बचपन से ही सिंगिंग का बहुत शौक था और वो अपने स्कूल में 5th क्लास से ही सिंगिंग करने लग गए थे। वो स्कूल में होने वाले हर प्रोग्राम में गाना गाया करते थे। उनकी सिंगिंग स्कूल में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती थी, इसलिए वो स्कूल में फेमस हो गए थे। स्कूल में बहुत सारे लड़के लड़की सुमित की सिंगिंग के फैन थे और यही आलम जब वो कॉलेज में पहुंचे तो वहाँ भी था। सुमित ने 9th क्लास से खुद के सॉन्ग लिखना स्टार्ट कर दिया था और तब से आज तक वो खुद के ही लिखे सॉन्ग गाते आए हैं। सुमित स्कूल टाइम से ही सिंगर बनना चाहते थे, लेकिन जब बात सुमित ने अपने घर वालों को बताई तो उनके घर वालों को उनका ये फैसला बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। सुमित का पढ़ाई में कोई खास इंटरेस्ट तो नहीं था, लेकिन इसके बावजूद वो क्लास के टॉपर बच्चों में से थे, इसलिए सुमित के घर वाले चाहते थे कि सुमित अपनी पढ़ाई पूरी करके जॉब करे और अपना फ्यूचर सिक्योर करे। लेकिन सुमित अपने घर वालों की बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। सुमित के पापा ने कहा कि सिंगिंग वगैरह करके क्या कर लोगे, कितना पैसा कमा लोगे वहाँ से? तो सुमित ने जवाब दिया कि इतना पैसा आएगा कि आपको गिनवाने के लिए मशीन लगवानी पड़ेगी। सुमित की ये बात उनका कॉन्फिडेंस और एकाग्रता दर्शा रहे थे। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, हम आपके लिए आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। कॉलेज की पढ़ाई के बाद सुमित ने जॉब करना स्टार्ट कर दिया। वो नाइट शिफ्ट में जॉब किया करते थे और दिन में अपने म्यूजिक पर काम किया करते थे। दरअसल सुमित को कोई सपोर्ट नहीं मिला, पर शुरुआत में उनके दोस्तों ने उनको बहुत सपोर्ट किया, जिसकी मदद से सुमित ने अपना पहला म्यूजिक वीडियो लॉन्च किया। इसका टाइटल था कारोबार। इस सॉन्ग पर ठीक ठाक रेस्पॉन्स मिल गया था, पर यह सॉन्ग उन्हें कोई खास पहचान नहीं दिला सका। ये सॉन्ग सुमित ने अपने घर वालों से छुपकर बनाया था। सुमित ने अपना सेकंड सॉन्ग बावली ट्रेड लिखा, जिसका उन्होंने केवल ऑडियो वर्जन ही निकाला था, लेकिन लोगों का अच्छा रेस्पॉन्स देखते हुए सुमित ने विक्की काजला के साथ मिलकर इसका वीडियो वर्जन भी लॉन्च किया, जिसके बाद ये सॉन्ग एक सुपरहिट सॉन्ग बनकर सामने आया। ये सॉन्ग हिट होने के बाद सुमित का कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बढ़ गया। फिर उन्होंने तीसरा सॉन्ग भोलेनाथ लॉन्च किया, वो काफी ज्यादा हिट रहा। इसके बाद सुमित ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, उनके एक के बाद एक हिट सॉन्ग आने लगे, जिनसे वो लोगों की पसंद बनते चले गए। बात करें सुमित के सबसे फेमस सॉन्ग की तो बावली ट्रेड, भोलेनाथ, यार की शादी, आर्मी, यार पुराने, द विलेजर्स, ये सॉन्ग उनके बहुत सुने गए। लेकिन सुमित का फीलिंग सॉन्ग उनका सबसे बड़ा सुपर हिट सॉन्ग साबित हुआ, जिसके बाद सुमित का नाम हरियाणा के टॉप सिंगर्स में आने लगा। आज की डेट में YouTube पे फीलिंग सॉन्ग पर 550 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। सुमित ने अपने पापा को वो करके दिखा दिया जो बोला था। अब सुमित पर उनके पापा बहुत ज्यादा प्राउड करते हैं और उनकी कामयाबी को देखकर बहुत खुश भी हैं। सुमित बोलते हैं, सिर्फ मेरा परिवार ही नहीं, अब तो मुझे हर जगह बहुत प्यार और इज्जत मिलती है। सुमित बोलते हैं कि उस प्यार और इज्जत का ही मैं भूखा हूँ। सुमित अपने फैंस को बहुत प्यार करते हैं और उन्हें फैंस से बात करना, उनके साथ फोटो लेना बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन टाइम की कमी की वजह से वे सबसे नहीं मिल सकते, लेकिन अपने फैंस को वो सर आंखों पर रखते हैं। बात करें सुमित के रिलेशनशिप स्टेटस की तो 2021 की शुरुआत में सुमित ने अपनी गर्लफ्रेंड नेहा जिंदल से शादी कर ली। बात करें सुमित की हाइट की तो सुमित की हाइट 5'3" है और इनका बॉडी वेट लगभग 60 kg है।
आगे छोरे आगे ढोले पे टैटू भोले नाथ तेरा जचदा आयो हो खड़े बाजे से स्लैप राख्या छोरियां पे गह प्यार यारियां पे है मरदा आयो हो मारी लठ मार बोली लठ गादे आसमाना मैं बंदा बंदा हैंग जी गे पड़ जा से काना मैं कान खोल सुन बेटा कर जांगे सुन धोरे मौका एक पाछे सुनूंगा ना कोए। तो फ्रेंड्स ये थी लाइफ स्टोरी सिंगर लिरिसिस्ट म्यूजिक कंपोजर सुमित गोस्वामी की। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। सुमित का कौन सा सॉन्ग आपका फेवरेट है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो इस वीडियो पर अपना रिस्पॉन्स देना ना भूले। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। भोले का भगत एक यारी यारा का छाती के मैं दिल मेरा दिल करी यारा का। वीडियो अंत तक देखने के लिए थैंक्स। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। बाय बाय।